गुजरात में हेल्थ केयर में क्या रेवोल्यूशन आपने, क्योंकि जितना आपके भाषण में आपने बात की हेल्थ केयर में, सिवाय वो माल नरिशमेंट के कुछ कहा नहीं, तो गुजरात में हेल्थ केयर में क्या चेंजेस आपने? मैंने नहीं कहा, समय के अभाव से, और कोई कारण नहीं है। एक उदाहरण देता हूं आपको। हम पूरे विश्व में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 127 नंबर पर खड़े हैं। भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिकॉर्ड में दुनिया में हम 127 नंबर पर खड़े हैं। ये हमारी दुर्दशा है, और उसका एक कारण है आईएमआर एंड एमएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सब भाषण करते हैं कि यार ये माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए। गुजरात ने जवाब दिया, हमने एक चिरंजीव स्कीम बनाया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल खड़ा किया, प्राइवेट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को हमने हमारे साथ एमओयू किया, और गरीब से गरीब परिवार की महिला उस डॉक्टर के पास जाती है जिसको हमने एमओयू किया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसको हम प्राइवेट पार्टनरशिप से मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं। आज देश में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाला कोई शहर है तो अहमदाबाद। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन करने वाला कोई राज्य है तो गुजरात। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चक्षुदान करने वाला कोई राज्य है तो गुजरात। ये गुजरात ने तरक्की की, और दुनिया में पर डे मैक्सिमम किडनी ट्रांसप्लांट अगर कहीं होते हैं तो गुजरात में होते हैं। दुनिया में पर डे मैक्सिमम नी ट्रांसप्लांट कहीं होते हैं तो गुजरात में होते हैं। तो हेल्थ सेक्टर में गुजरात ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। अभी हम हेल्थ सिटी के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।